नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आज हम अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज तथा कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से ये कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहली बात अगेन कि डिस्क्रीट सीरीज में भी दो मेथड से मेन कैलकुलेट किया जा सकता है, पहला आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड, जैसा अपन ने इंडिविजुअल सीरीज के केस में देखा था। यहाँ पे ये डाटा है जिसमें आपने ये देखा है कि वीकली वेजेस अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। अब इसमें क्या है, 19 वर्कर, 19 जो मजदूर हैं, उनका वीकली जो उनके जो वेजेस होते हैं वो किस प्रकार से हैं। उनमें ये देखा कि 10 रुपए जो वेजेस है वो 4 वर्कर्स का है, 20 है वो 5 का, इसी प्रकार से 30, 40, 50 के अंदर नंबर ऑफ वर्कर डिफरेंट है। अब इसमें क्या हो गया आपके कि इसमें ये तो है आपका एक्स है और ये आपका एफ है, यानी एक्स के साथ में इसमें क्या आ गया, आपकी फ्रिक्वेंसी भी आ गई। इसका यदि अपन कैलकुलेशन का देखें तो बार एक्स इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन एक्स था और डिवाइडेड बाय क्या था, एन था। ये एन किस में कन्वर्ट हो गया, समेशन एफ में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है इसमें, समेशन एफ हो गए जो कि पहले एन था, और वेजेस जो है एक्स जो है वो क्या हो गया, अब एक्स एफ के साथ में मल्टीप्लाई करके समेशन एफ एक्स होगा। तो अपन देखें यहाँ पे ये आपका एक्स है, यहाँ पे ये एफ है। सबसे पहले अपन इस 10 को इस एफ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ गया 10 × 4, है ना, ये आ गया आपका 40, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक एक को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एक्स और एफ निकाल लेते हैं, फिर इसका समेशन एफ एक्स कर देते हैं, समेशन एफ एक्स आ गया इसमें 560। और फिर आपने यहाँ पे क्या किया, समेशन एफ कर दिया जो अपन ने 19 कहा था, यहाँ पे भी अपन ने 19 बताया, या 4 + 5 + 3 + 2 + 5 और ये हो गया आपका 19। इसको यदि फॉर्मूले में अपन वैल्यू को पुट अप किया तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ एक्स क्या आपका 560 है और समेशन एफ आपका 19। 560 को 19 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 29.47। यानी क्या हुआ, इन जो 19 वर्कर हैं इनकी एवरेज जो अर्निंग है वो 29 रुपए और 47 पैसे है, यानी 29 रुपीज एंड 47 पैसे। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब यदि अपन इनडायरेक्ट मेथड से, अपन कहें शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है बार एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। जो आपका इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, तो समेशन डी किस में कन्वर्ट हो गया, समेशन एफ डी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गया, ठीक है, और समेशन और जो एन था वो कन्वर्ट हो गया समेशन एफ में। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन ए निकालेंगे और किस प्रकार से अपन डी निकालेंगे, तरीका वही है, बस इसमें आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे क्या करना है, एन के बजाय आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी का टोटल कर देना है, समेशन एफ कर देना, ठीक है। तो अब ये आप ये डाटा देखिए आप कि ये मार्क्स रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, यानी 5 मार्क्स है आपके, 4 स्टूडेंट ने रिसीव किए, 2 मार्क्स है 6 ने किए, 3 मार्क्स है 8 ने किए और 4 मार्क्स है 6 ने किए। ये अपने रख दिया इसका, ठीक है। अब अपने क्या किया, ए ले लिया, ए क्या आपका 2 है, यहाँ पे 2 ले लिया आपने और ए से अपने क्या किया, डी निकाला, डी इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए, यानी ये एक्स है और ये ए है, इससे अपने इसको माइनस कर दिया, 5 में से 2 गए 3 बच गए, 2 में से 2 गए 0 बच गए, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गए 1 बच गए और 4 में से 2 गए 2 बच गए। यहाँ पे क्या किया आपने, फ्रिक्वेंसी का टोटल कर दिया, 24 हो गया। अब क्या किया आपने, एफ को डी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डी निकाल दिया आपने, डी एफ को डी से मल्टीप्लाई किया, ये एफ आपका 4 × 3 ये वाला 12 हो गए, यहाँ पे 6 × 0 0 हो गया, 8 × 1 8 हो गया और 6 × 2 हो गया 12 है। और इस तरह से क्या किया आपने, एफ डी निकाल लिया,
एफ डी का अपने यहाँ पे टोटल क्रेडिट समेशन एफ डी हो गया, जिसको किया गया 32। अब यहाँ पे आपने समेशन एफ निकाल लिया 24, ए आपका है ये आपका 22, तो आपने फॉर्मूले में मान रखा ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। यहाँ पे आपका 2 प्लस समेशन एफ डी है आपका 32 और समेशन एफ है आपका 24, तो 2 प्लस 32 बाई 24, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया इसका 3.33, यानी 3.33 जो मार्क्स है वो इन स्टूडेंट ने एवरेज रूप से प्राप्त किए, यानी कितना मार्क्स प्राप्त हुए इनको एवरेज 3.33। तो आपको समझ में आ गया इसमें कि आपने सबसे पहले अज्यूम्ड मीन लिया, फिर उसका विचलन निकाला, विचलन निकालने बाद में क्या किया आपने, विचलन से को एफ से मल्टीप्लाई किया, समेशन एफ डी कर दिया, यहाँ पे समेशन एफ कर दिया और फॉर्मूले में मान रख दिया मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ और आंसर आ गया आपका 3.33। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें कि एक्स और एफ होते हैं उसमें अपने दोनों मेथड से देख लिया, एक आपका डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। अब हम ले रहे हैं इसमें कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से मीन निकाला जाता है उसमें ले रहे हैं। अब ये आगे अपन ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से मीन को निकाला जाता है। यदि हम इसमें देखें कि वो दो मेथड यूज आते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड है एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है बार एक्स इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ एंड शॉर्टकट मेथड है बार एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब ये एम क्या होता है ये अपन आगे लेते हैं। तो ये देखिए आप कि ये एक कंटिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है बेसिकली 0 से 10 मार्क्स है कितने स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट के। 10 से 20 मार्क्स है आपके 12 स्टूडेंट के। 20 से 30 मार्क्स है 14 स्टूडेंट के। यानी क्या है इसमें मार्क्स की रेंज है, ये आपकी 0 क्या है इसमें लोअर लिमिट है और 10 क्या है इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, यानी ये निचली सीमा तथा ये ऊपरी सीमा। इसमें किस प्रकार से अपन मीन निकालेंगे, क्या करते हैं हम बेसिकली ये जो दोनों जो वो है निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा है इनसे अपन क्या करते हैं सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं यानी मिड वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम ये क्या करते हैं हम निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तथा दो से उनको डिवाइड कर देते हैं यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया 10 + 20 को जोड़ा तो 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपन 15 आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं ये जो सारे जो डाटाज हैं उनका क्या किया आपने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब मिड वैल्यू निकाले बाद में इस मिड वैल्यू को क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं हम एफ एम निकाल लेते हैं और एफ एम का क्या करते हैं हम लोग समेशन एफ एम कर देते हैं और इधर से आपका समेशन एफ कर दिया और फॉर्मूले में मान रखा बार एक्स इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एम क्या है आपका 1265 है और समेशन एफ क्या आपका इनका टोटल 49 है और इसका आंसर आ गया 25.82। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया सबसे पहले मध्यमान निकाला, मध्यमान निकाले बाद में मध्यमान को फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, गुणा करके और एफ एम निकाला, एफ एम को टोटल कर दिया, एफ को टोटल कर दिया और एफ एम को टोटल के टोटल को समेशन एफ से भाग दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज में मध्यमान निकाल करके मीन निकाल सकते हैं। ये ऐसे डाटा है जिसमें कि मध्यमान निकला हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मध्यमान को फ्रीक्वेंसी से सीधा मल्टीप्लाई करना है और आपको मल्टीप्लाई करके एफ एम निकालना है, एफ एम का टोटल करना है, एफ का टोटल करना है और इस एफ एम के टोटल से एफ के टोटल को डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे अपन समेशन एफ से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। अब शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से मीन निकाला जाता है। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है आपको मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकाले बाद में मिड वैल्यू क्या हो गई आपकी किसकी तरह ट्रीट हो गई, एक्स की तरह ट्रीट हो गया। अब इस मिड वैल्यू में आपको क्या करना है एक को अज्यूम्ड मीन मान लेना, कल्पित माध्य मान लेना, कल्पित माध्य मान लिया डी, ये क्या हो गया आपका 35 को अपने क्या किया कल्पित माध्य मान लिया। अब इसको क्या करना है विचलन निकालना है इससे, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए यानी एक्स ये हो गया और ये आपका
ए क्या हो गया 35 हो गया, तो x में से यानी 5 में से आपके निकल गया 35 माइनस कर दिया, फिर 15 में से 35 माइनस कर दिया, 25 में से 35 माइनस कर दिया, तो ये आपका d आ गया। d को क्या करना, आपको f से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है, और यहाँ पे क्या है, ये सारे प्लस के हैं, तो d को f से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस के आ गए, और ये आपके प्लस प्लस के आ गए। प्लस प्लस वालों को एक जगह जोड़ देना है, माइनस माइनस वालों को एक जगह जोड़ देना है, प्लस वालों से माइनस को घटा देना है, वो क्या आ गया आपका समेशन एफ डी आ गया, यहाँ पे आ गया आपका समेशन एफ आ गया। फॉर्मूले मान रखे हैं ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन और समेशन एफ, एफ क्या आपका एन है, तो ये आ गया आपका समेशन एफ डी अपॉन एफ, तो 35 प्लस 660 ये आ गया आपका 88 आ गया, समेशन एफ आ गया, और आंसर आ गया इसका 42.5। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज में भी शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से मीन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, हमने ना जो मीन दोनों मेथड से देख लिया है, दोनों सीरीज में देख लिया है, दोनों सीरीज में किस प्रकार से दोनों मेथड से मीन निकाला जाता है। अब आपको अपने बुक से इसके एग्जाम्पल देखने हैं और अपने को आपको प्रैक्टिकल फाइल में इनको करना है। धन्यवाद।